नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और एडल्ट सीरीज हो तो क्या ही कहना। तो आपके डिमांड पर हम हाजिर एक बार फिर और लेकर आए हैं टॉप 10 बेस्ट एडल्ट वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स 2023 और ये होगा पार्ट 3। पार्ट 1 एंड 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी बैश, जहां हम पेश करते हैं टॉप 10 लिस्ट ऑफ मूवीज एंड वेब सीरीज। होप कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इंस्टाग्राम पे फॉलो तो आपने कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया तो भाई देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही डालो और इंस्टा पे फॉलो इस वीडियो के बाद। अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, बात करते हैं नंबर 10 से। एक आदमी जो स्ट्रिपर है, जिसको 7 साल की सजा हुई है, वो भी उस क्राइम के लिए जिससे उसने किया ही नहीं है, उसको एक मर्डर के जुर्म में सजा दिया गया है। अब ये मर्डर किसने किया है और इसमें ये स्ट्रिपर क्यों फंसा है, ये सब आप देखेंगे सीरीज जिसका नाम है टॉय बॉय, जो कि आई थी 2019 में। एक्शन एडवेंचर और क्राइम जॉनर की आईएमडीबी रेटिंग है 6.5। फ्रेंकली स्पीकिंग दोस्तों, तो सीरीज को बिना वजह से खींचा गया है थोड़ा। अगर इसको शॉर्ट रखा जाता तो आप इसको ज्यादा एंजॉय करते। इसमें एक एवरेज स्टोरी के साथ वायलेंस और सेक्स सीन्स भी हैं, जो कि इसको वॉचेबल बनाती हैं। सीरीज बस इंग्लिश में ही अवेलेबल है। नंबर 9, कहानी एक वुमेन की है दोस्तों, जो कि एक लॉयर है और उसका हस्बैंड जज है, लेकिन इसकी जिंदगी में मोड़ तब आता है जब ये एक हॉट अट्रैक्टिव लड़के के प्यार में आ जाती है। वो लड़का थोड़ा मिस्टीरियस है और दूसरी तरफ सिटी में भी एक मर्डर हुआ है, तो क्या उस लड़के का इस मर्डर से कोई लेना देना है या फिर नहीं, और ये लॉयर का क्या अपने पति को धोखा देती है, यही कहानी दिखाती है सीरीज डार्क डिजायर, जो कि आई थी 2020 से 2022 के बीच। ड्रामा मिस्ट्री और थ्रिलर जॉनर की और आईएमडीबी रेटिंग है 6.5। सीरीज में हॉट सीन्स और सेक्सुअल सेक्स सीन्स भर भर के हैं। सीरीज में जगह जगह पर प्लॉट ट्विस्ट भी है दोस्तों, जो कि आपको अपने साथ बांध के रखती है, और ये अवेलेबल है हिंदी में। नंबर 8, कहानी है 3 सेक्स वर्कर्स के बारे में, जो कि अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो एक मर्डर कर देती है और एक पावरफुल बैड गाय इनके पीछे पड़ जाता है। यही है सीरीज जिसका नाम है स्काई रोजो, जो कि आई थी 2021 से 2023 के बीच। एक्शन एडवेंचर और क्राइम जॉनर की और आईएमडीबी रेटिंग है 6.5। सीरीज एक फास्ट पेस एंटरटेनिंग शो है, जो कि आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी। साथ में सेक्स वर्कर्स की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी इसमें दिखाया गया है। कहानी सेक्स वर्कर्स की है तो सेक्स सीन्स की तो कोई कमी नहीं, और ये अवेलेबल है दोस्तों हिंदी डबिंग के साथ। नंबर 7, एक वुमेन एक मिशन पर निकलती है और उसका मिशन है उसके मिसिंग भाई को ढूंढना, वह भाई जो 20 साल पहले गायब हुआ था और तब वो एक डीजे था। तो क्या वो अभी भी जिंदा है या फिर नहीं, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो गायब हो गया, ये सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढती रहती है ये लड़की, और उसी की कहानी है सीरीज जिसका नाम है व्हाइट लाइंस, जो कि आई थी 2020 में। क्राइम ड्रामा और मिस्ट्री जॉनर की और आईएमडीबी रेटिंग है 6.6। दोस्तों सीरीज में नोटिसेबल कुछ है तो है इसके बोल्ड सीन्स, जो कि काफी मतलब काफी ज्यादा है। थ्रू आउट सीरीज एक सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री भी बना रहता है, जो कि इसको वॉचेबल बनाती है, और ये अवेलेबल है हिंदी में। नंबर 6, दोस्तों 6 इंसान को किस हद तक ले जाता है। तो कहानी है एक लेडी की, इसका हस्बैंड वॉर के लिए जाता है और जब वो घर वापस आता है तब उसके कुछ चीजें पहले की तरह काम नहीं कर रहे होते, समझ रहे हो, समझ रहे हो, इसलिए वो लेडी दूसरे अफेयर करके अपनी नीड को फुलफिल करती है। तो इसकी ये अफेयर्स और सेक्स रिलेशंस किस हद तक जाती है, यही कहानी आप देखेंगे जिसका नाम है लेडी चैटरलीज लवर, जो कि आई थी 2022 में। ड्रामा रोमांस जॉनर की और आईएमडीबी रेटिंग है 6.6। सीरीज में हॉट बोल्ड सेक्स सीन सब कुछ है, लेकिन एक रोमांटिक टच के साथ। खास बात ये दोस्तों कि नेटफ्लिक्स ने इसकी हिंदी डबिंग बहुत ही बढ़िया की है, तो अगर एक रोमांटिक सीरीज देखना चाहते हो जिसमें भर भर के डल सीन्स हो तो ये आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। नंबर 5, कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जिसको अगर ना जानो तो ही अच्छा होता है। एक एक्स कॉन अपने विलेज लौटती है, लेकिन उसको पता चलता है कि उनके विलेज में मिस्टीरियसली एक के बाद एक फिशरमैन मर रहे हैं। अब ये मर्डर कौन कर रहा है और उसके पीछे क्या राज है, ये ही दिखाती है सीरीज का नाम है टाइडलैंड्स, जो कि आई थी 2018 में। क्राइम ड्रामा और फैंटेसी जॉनर की और आईएमडीबी रेटिंग है 6.8। दोस्तों सीरीज में एक मिस्ट्री है जो कि एक फैंटेसी और सुपरनैचुरल पावर के साथ एसोसिएटेड है। इसमें रोमांस और बोल्ड सीन्स भी हैं। एक एडल्ट क्राइम फैंटेसी वाली सीरीज, बस इंग्लिश में ही ये अवेलेबल है। नंबर 4, तो दोस्तों कहानी है 5 वुमेन की, जो कि एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तब उनको पता चलता है कि उन सब में एक जैसा बर्थमार्क है। वो सब इस कंक्लूजन पे आते हैं
कि उन सब का एक ही फादर है जिसने उनकी मदर के साथ चीट किया है। फिर वो सब अपने इस बाप को ढूंढने लग जाते हैं। यही है सीरीज दोस्तों, जिसका नाम है द फाइव जुआनास, जो कि आई थी 2021 में ड्रामा जॉनर की और आईएमडीबी रेटिंग है 6.9। फ्रेंड, सीरीज की प्रेजेंटेशन नॉर्मल है, इसमें एंटरटेनमेंट ड्रामा है, इसको अलग बनाती है हॉट एंड सेक्स सीन्स। सीरीज बस इंग्लिश में ही अवेलेबल है। नंबर 3, तो दोस्तों ये कहानी एक वुमेन की और उसके तीन लवर्स के बारे में, और ये बेस्ड है सेम नाम की एक मूवी के ऊपर। हम बात कर रहे हैं शी इज गॉट अ हैबिट के बारे में, जो कि आई थी 2017 से 2019 के बीच, कॉमेडी जॉनर की, आईएमडीबी रेटिंग है 6.9। तो दोस्तों इसमें वुमेन सेंट्रिक प्रॉब्लम्स को डीपली दिखाया गया है। किसी किसी को कहानी थोड़ी स्लो और बोरिंग लग सकती है, अगर आप इसको एक इंटरटेनिंग कॉमेडी शो की तरह देखोगे तो ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी। और बात करें बोल्ड सीन्स की, तो उसमें ये सीरीज कोई भी कमी नहीं छोड़ती। अगर बिना दिमाग लगाए कोई हॉट सी वेब सीरीज देखना चाहते हो तो ये अवेलेबल है इंग्लिश में। नंबर 2, आजकल लोगों को सेक्स में भी वैरायटी चाहिए, तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कपल्स की डिफरेंट डिफरेंट लव स्टोरीज की कहानी है सीरीज, जिसका नाम है इजी, जो कि आई थी 2016 से 2019 के बीच, कॉमेडी जॉनर की और आईएमडीबी रेटिंग है 6.9। दोस्तों सीरीज में मॉडर्न लव और कैसे कपल इसको एक्सपीरियंस करते हैं, इस चीज को दिखाया गया है। इसमें हर एपिसोड की स्टोरी डिफरेंट है, बस कुछ कैरेक्टर्स का कभी आपस में कनेक्शन देखने को मिल जाता है। बात करें बोल्ड सीन्स की और हॉट सीन्स की दोस्तों, तो सीरीज में उसकी जैसे बाढ़ आई हुई है। ये फन टू वॉच है, एंटरटेनिंग है। अगर वीकेंड पर कुछ नेटफ्लिक्स एंड चिल वाली सीरीज देखना चाहते हो तो ये अवेलेबल है इंग्लिश में। अब बात की जाए नंबर 1 के बारे में दोस्तों, जब मैरिज में बोरियत और कोई तीसरा कपल के बीच आ जाता है, तब लोगों को लव का रियल वैल्यू पता लगता है। ऐसी ही कहानी एक मैरिड कपल की, जिनके बीच सेक्सुअल रिलेशन कम हो चुका है, उनके लाइफ में आती है और एक वुमेन जो कि इनके साथ रहने लगती है। अब वो कैसे इनके लाइफ को अफेक्ट करती है, यही कहानी है सीरीज, जिसका नाम है यू मी हर, जो कि आई थी 2016 से 2020 के बीच, कॉमेडी ड्रामा रोमांस जॉनर की और आईएमडीबी रेटिंग है 7। दोस्तों सीरीज रोमकॉम कैटेगरी की है, तो इसमें एंटरटेनमेंट की वैल्यू काफी ज्यादा है। इसमें सेंसुअल सेक्स सीन्स कहीं कहीं ड्रामा के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, तो दोस्तों इसे आप देख सकते हैं सिर्फ इंग्लिश में। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैच को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए करते रहिए सारे सीरीज को बिंज वॉच।